हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आप जो बॉल पुट्टी से क्राफ्ट बनाते हैं उसमें भी क्रैक्स आ जाता है? तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आज हम बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो बनाएंगे। बॉल पुट्टी का डो बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल में थोड़ी सी बॉल पुट्टी ली है। बॉल पुट्टी हम उतना लेंगे जितना हमें क्राफ्ट में ज़रूरत रहेगी। इसके बाद जो हमने बॉल पुट्टी लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे और सारे बॉल पुट्टी को एक जगह इकट्ठा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी, तो आप उन टिप्स को फॉलो ज़रूर करें और उन टिप्स से आपको क्या बेनिफिट होगी मैं इस वीडियो में आपको बताते जाऊंगी। फ्रेंड्स, बॉल पुट्टी का डो बनाने से पहले आप अपने हाथ को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, क्योंकि आपने गेस किया होगा कि आप जब भी बॉल पुट्टी का डो बनाते हैं तो आपके जो हैंड है वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने हाथ पे 2 से 3 बूंद कोई भी तेल लगा लें, या फिर आप अपने हाथ पे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। हम जब बॉल पुट्टी का डो तैयार करेंगे तो उसे सिर्फ और सिर्फ पानी से ही तैयार करेंगे। इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करेंगे। और आप मुझसे हमेशा पूछते हैं कि हम किस ब्रांड की बॉल पुट्टी यूज करें, तो आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांडेड बॉल पुट्टी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रांड की बॉल पुट्टी ले सकते हैं। बॉल पुट्टी मार्केट में 25 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जितना बजट है, आप अपने बजट के हिसाब से बॉल पुट्टी ले सकते हैं। तो हमने सारे बॉल पुट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और ये हमारा बॉल पुट्टी थोड़ा सा गीला है, तो हम जो बॉल पुट्टी का पहले डो तैयार करेंगे उसे थोड़ा सा हार्ड तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा बॉल पुट्टी और मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे। आप मुझसे हमेशा ये भी पूछते हैं कि हमारा जो डो है थोड़ा सा गीला हो गया तो क्या करें, तो बस उसमें थोड़ा सा बॉल पुट्टी और मिक्स कर दीजिए और इसे थोड़ा सा हार्ड कर लीजिए। इसके बाद हम अपने हाथ को धो लेंगे और फिर से 1 से 2 बूंद तेल हम अपने हाथ पे लगा लेंगे। तो अब डो बनाने का सबसे मेन स्टेप है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से आप फॉलो करें। देखिए, मैं अपने हाथों से इसे किस तरह से मसल रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। इसे जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका डो है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग के साथ पहले एक वीडियो शेयर किया है कि बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं, पर उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम, जो हम क्राफ्ट बनाते हैं उसमें क्रैक्स आ जाती है। तो मैंने उसी के रिकॉर्डिंग फिर से ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैंने बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स आपको बताए हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप जो क्राफ्ट बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएगा। देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम एक गीला तौलिया लेंगे और इस तौलिया में हम इस डो को लपेट के रख देंगे। ध्यान दें कि जो तौलिया हो वो बस हल्का सा गीला हो, उसमें से पानी निकलना नहीं चाहिए। आप इस डो को 3 से 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा और लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। आपको जब भी लगने लगे कि हमारा डो जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें 4 से 5 बूंद पानी मिक्स करके फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपका डो पहले की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। हम बॉल पुट्टी से अगर कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो बॉल पुट्टी का डो होता है। तो बॉल पुट्टी का अगर डो आपका अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो आपके क्राफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी। मुझे एक और भी कमेंट आया था कि मैम, जो हम बॉल पुट्टी की सीट बेलते हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो आपकी सीट इतनी बड़ी कैसे होती है? तो फ्रेंड्स, आप भी बॉल पुट्टी से बड़ी और पतली सीट बेल सकते हैं अगर आप इन टिप को फॉलो करेंगे तो। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक प्लास्टिक सीट लेंगे जो कि हमारे घर में ईजिली मिल जाता है, और इस पे हम कोई भी तेल लगा लेंगे। ध्यान दें कि प्लास्टिक सीट पे आप 3 से 4 बूंद ही तेल डालें और उसे अच्छी तरह से इस पे फैला लें। इसी तरह के दूसरे प्लास्टिक सीट पे भी हम तेल लगा लेंगे। अब हम इस पे अपना बॉल पुट्टी का जो डो है वो रखेंगे और जो दूसरा प्लास्टिक सीट है जिस पे हमने पहले से तेल लगाया था उसे इस पे रख के हम घर में जो बेलन रहती है उसकी हेल्प से इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है।
अब ये ऊपर की प्लास्टिक सीट को हम इसे हटा देंगे। अब कोई भी टूल से मैं देख रही हूँ, आपको काट के दिखा देती हूँ कि मैंने कितना पतला सीट बनाया है और इसे मुझे उठाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो बनाना सिखाया है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।